आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोल और एवोगाड्रो नंबर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टोइकोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया हुआ है, और मेरी जो ओल्ड वीडियोस के अंदर एमयू को आप लोग ग्राम के अंदर और ग्राम को एमयू के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, और इसके साथ साथ रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट क्या होते हैं और हम एटॉमिक मास यूनिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी बातें मैंने बताई है। आज मैं आप लोगों को मोल और एवोगाड्रो नंबर के जो कंसेप्ट है उसको, और आखिर में मैं आप लोगों को प्रूफ करूंगा कि हाउ जो वन मोल होता है वो एवोगाड्रो नंबर यानी 6.023 क्रॉस 10 रेस टू द पावर 23 के बराबर होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले जाते हैं मोल की तरफ। देखना, मोल के बारे में जो जनरल बातें वो ये है कि मोल का वर्ड सबसे पहले आसवर्ड ने 1896 या 97 इसके अंदर उसने इंट्रोड्यूस किया है, और कोई कहता है कि इसको एमिडर एवोगाड्रो ने किया 1811 के अंदर, लेकिन वो लाजमी नहीं है। आसवर्ड ने 1896 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है। अब जो दूसरी बात है, मोल का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है पाइल आर हीप, और इसका मानिए लार्ज अमाउंट यानी ढेर को इसको बोलते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट को हम मेनली मोल बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि ये कितना लार्ज अमाउंट है। और तीसरी जो बात है, मोल क्या है, मोल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, किसी भी जो सब्सटेंस के अमाउंट की जो यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक दो बातें यहाँ पर सब्सटेंस आ गया, आपको सब्सटेंस के बारे में भी बता दूं कि सब्सटेंस असल में क्या होता है। सब्सटेंस हर उस चीज को बोलेंगे जिसकी कंपोजिशन हमें नॉन कंपोजिशन वाले को हम सब्सटेंस बोलते हैं, और जिसकी कंपोजिशन हमें पता ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। लेट्स सपोज वाटर जो है वो एक सब्सटेंस है। वाटर किस तरह सब्सटेंस है, वाटर ऐसे सब्सटेंस है कि वाटर की कंपोजिशन का हमें पता है, उसका जो मोलर मास होता है दैट इज 18 हैविंग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट्स व्हाई वाटर इज अ सब्सटेंस। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ ये चाक है, इसकी कंपोजिशन का आपको नहीं पता है 10 ग्राम है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है और कितना है, तो इसको फिर हम सब्सटेंस नहीं बोल सकते, इट विल बी नोन एज मिक्सचर। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जो सब्सटेंसेस होती है वो मेनली चार होती है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एलिमेंट एक सब्सटेंस है। एलिमेंट इसलिए सब्सटेंस है कि हर एक एलिमेंट के कंपोजिशन का हमें पता है। एलिमेंट के साथ जो दूसरी चीज होती है सब्सटेंस के अंदर वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और तीसरी जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पीशियम, उसे बोलते हैं या उसे हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड हो गए। तीसरी जो चीज होती है उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और लास्ट वन जो होते हैं उसको हम सिंपली बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनिक स्पीशी या आयन बोलते हैं, आयनिक स्पीशी या आयन बोलते हैं, आयनिक स्पीशी या आयन बोलते हैं। ये मेनली सब्सटेंस होते हैं। अब इनकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, लेट सपोज अगर एलिमेंट है उसके जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एटम। सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं इसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, और इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं या छोटा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट, और सिमिलरली जो आयनिक स्पीशी होती है इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। यानी एलिमेंट का जो स्मॉलर पार्टिकल है या स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो एटम है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है, वो क्या है, मॉलिक्यूल है। और इसी तरह आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है, वो है फार्मूला यूनिट। क्या चीज है, फार्मूला यूनिट। और इसी तरह आयनिक कंपाउंड का जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ ये सारी चीजें होंगी सब्सटेंस के बारे में, एटम, मोल, फार्मूला यूनिट, आयन, ये सारी चीजें बता के फिर मैं आपको मोल की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब आप लोग क्या करो, फॉर एग्जाम्पल एक एटम है, मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर शुरू करता हूँ, मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर शुरू करता हूँ। डस्टर देखो, डस्टर कहाँ पर है, डस्टर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एटम लिखता हूँ, एटम है आप लोगों के पास हाइड्रोजन,
अब हाइड्रोजन को अगर आप लोग एमयू वाले कंसेप्ट में देखो, जब मैं एमयू वगैरह कह रहा था, जब कभी भी आप लोग मास लिखोगे, यानी मास ऑफ एटम, मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी एएमयू, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। 1 MU बराबर होते 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम की। वो बात है तो पुरानी, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर देखना, और ये इसका एटम है। अब इस वन हाइड्रोजन का जो मास होता है, वन हाइड्रोजन एटम का, वो 1.008 MU के बराबर होते हैं। मैं 0.0 इन चीज़ों को हटा देता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ 1 MU। एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है वो 1 MU होता है, ये एलिमेंट की बात हो रही है। सिमिलरली मैं एक मॉलिक्यूल को लिखता हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है, वाटर है, H2O। इस वाटर जो मॉलिक्यूल है, इसका जो मास होता है वो 18 MU होता है, 18 MU होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई आयनिक स्पीशी की बात कर लेता हूँ, उसका जो सिंपल यूनिट होता है वो क्या होता है, वो फार्मूला यूनिट होते हैं। मैं एक आयनिक स्पीशी की बात कर रहा हूँ, आयनिक स्पीशी को अगर आप लोग देख लो, तो मैं यहाँ पर NaCl लिखता हूँ। NaCl का जो मास होता है वो 58.5 होता है, मैं 58 लिखता हूँ, 58 AMU। और सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर आप लोग के लिए आयनिक स्पीशी की बात कर लो, आयनिक स्पीशी में आप लोग कोई भी आयनिक स्पीशी लिख सकते हो, F नेगेटिव लिख सकते हो, Cl नेगेटिव लिख सकते हो, वो जो मास होता है उसके ऊपर वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर OH नेगेटिव लिख लूँ, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, तो ये 17 AMU हो जाए। इसी तरह अगर मैं SO4-2 लिख लेता हूँ तो 96 AMU हो गया। इनका जो मासेज होती है वो AMU के बराबर होती है। अब आप लोग क्या कर लो, यही जो एटम है, एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास, और आयनिक स्पीशी का आयनिक मास को आप लोग AMU के बजाय, किसके बजाय, AMU के बजाय आप लोग क्या कर लो, इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करो। बस इतना सा काम करो, इसको किस में रिप्रेजेंट करो, ग्राम में रिप्रेजेंट करो, यानी 1 AMU के बजाय मैं 1 ग्राम लिख लेता हूँ, 18 AMU के बजाय मैं 18 ग्राम लिख लेता हूँ, 58 AMU के बजाय मैं 58 ग्राम लिख लेता हूँ, 58 ग्राम लिख लेता हूँ, और यहाँ पर 17 AMU के बजाय मैं 17 ग्राम लिख लेता हूँ। तो अब मोल की डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट, आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस इन ग्राम इज नोन एज मोल। जब हम ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, इनके एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को, आयनिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोल्स। अब मोल्स कितनी बड़ी यूनिट है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, आप लोग बोलोगे सर ये 1 MU के बजाय हमने 1 ग्राम लिख लिया, इतना फर्क तो नहीं पड़ा, इससे मोल कैसे बन गया, सवाल है ना। 18 MU के बजाय आपने 18 ग्राम लिख लिया, तो फिर ये मोल और एमयू ये तो एक ही चीज है। नहीं, ये एक चीज नहीं है, आप लोगों ने एवोगाड्रो नंबर को समझ के फिर ये चीजों को देखना। यहाँ पर ये जो मास मैंने लिखे ना, ये वाला, ये एक हाइड्रोजन एटम का है, ये एक हाइड्रोजन एटम का है, लेकिन ये जो मैंने 1 ग्राम लिखा है, ये एक हाइड्रोजन एटम का नहीं है, ये कितने हाइड्रोजन एटम का है, ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का है, कितने का है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का है, यानी कितने एटमों का मास है, ये 6.023 × 10⁻²⁰ एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है, ये जो मैंने साथ में लिखा हुआ, ये एक हाइड्रोजन एटम का मास नहीं है, इस चीज को देखना है, ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है। तब मैं कह रहा हूं कि मोल कितनी बड़ी यूनिट है, ये इतने सारे एटम का मास है, ये एमयू तो इतने का है, एक का ही है, लेकिन ये एक का नहीं है। सिमिलरली अगर आप लोग इस 18 ग्राम को देख लो, तो ये जो 18 ग्राम है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल का मास नहीं है, ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का मास है। इसके अंदर कितने, ये 18 ग्राम के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। तो फिर एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर को समझ के फिर आगे मैं मोल को एवोगाड्रो नंबर के बराबर करूंगा। मोल के बारे में तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम किसी एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, आयनिक कंपाउंड के आयनिक मास को किस में रिप्रेजेंट करें,
ग्राम में रिप्रेजेंट करें, इसको हम बोलते हैं मोल। और ये 1 MU के बजाय जब आप लोग ग्राम लगा लेते हो, अब ये इतना कंसेप्ट क्यों है, ये एक हाइड्रोजन एटम का मास है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन एटम का मास नहीं है, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास जब होगा तो फिर इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। देखना, एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, आगे मैं आप लोगों को प्रूफ भी करूंगा। दो बातें और भी समझो, देखना एवोगाड्रो नंबर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और 1 मोल जो पार्टिकल होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। और ये पार्टिकल जो होते हैं, इट मे बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। और दूसरी बात, एक बात आप लोगों को और भी याद रखनी है कि एवोगाड्रो नंबर की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज ग्राम पर मोल। आगे मैं इसके आप लोगों को नंबर ऑफ फार्मूलेस बताऊंगा, मोर देन 20 फार्मूले इसके। लेकिन ये बात समझो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है ना, वो एटम है, आयन है, कोई भी है, मैं यहां पर लिखता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2। इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 2.016 ग्राम होते हैं, लेकिन मैं सिंपल यहां पर आप लोगों को लिखता हूं 2 ग्राम। अब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। और ये फिक्स है, ये एटम हो जो भी हो, और यूनिट ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज पर मोल, यूनिट ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज पर मोल। ये मुख्तलिफ बातें आप लोगों को आनी चाहिए, सही है, लोग तो कहते हैं इसकी यूनिट है, लेकिन इसकी यूनिट पर मोल है एवोगाड्रो नंबर की। देखना, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल के अंदर मास जो होते हैं वो 2 ग्राम होते हैं, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6.023 क्रॉस 10^23 होते हैं। ये अगर आप लोगों के पास 1 मोल ऑफ H2O आ गया, देखना 1 मोल H2O हो गया, इसका जो वेट होता है वो कितना होता है, वो 18 ग्राम होता है। और 18 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं ये फिक्स होंगे, 1 मोल आयनिक कंपाउंड होगा, 1 मोल आयनिक स्पीशी होगी, 1 मोल फार्मूला यूनिट होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल होगा, जो भी होगा 1 मोल ऑफ एटम, इसके अंदर के एवोगाड्रो नंबर की जो अमाउंट होती है या जो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं। ये भी एक आम सी बात है, जिस तरह मैं बोलता हूँ 1 डजन ऑरेंज, 1 डजन ऑरेंज का मतलब होते हैं 12 ऑरेंज, 12 सिमिलर थिंग, उसको हम डजन बोलते हैं। इसी तरह 1 डजन ऑफ बनानास तो 12 सिमिलर थिंग, सॉरी। इसी तरह अगर मैं सेंचुरी की बात करूँ तो 100 को बोलते हैं, और इसी तरह मैं ग्रास की बात करूँ तो वो 144 को बोलते हैं। यानी ये नंबर आप बड़े छोटे की बात नहीं है, 18 ग्राम है, 2 ग्राम है, एटम है, मॉलिक्यूल, इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर की जो तादाद होगी वो फिक्स होगी। मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को प्रूफ भी करूंगा कि किस तरह ये फिक्स होगी, ठीक। जिस तरह और एक और बात भी आप लोगों ने याद रखनी है, वो जो 1 डजन वाली बात हो तो उसमें मांटे छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, तो ये जो एटम का साइज होगा या मास होगा वो सबके अंदर क्या होगा, सिमिलर होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो एवोगाड्रो नंबर होते हैं ये किस तरह 6.023 क्रॉस 10^23 के बराबर होते हैं, इसको मैं आप लोग के सामने प्रूफ करूंगा। देखना, मैं यहां पर प्रूफ करता हूं, आप लोग ने देखना, हमें पता है कि 1 MU जो होते हैं वो 1.66 क्रॉस 10^-24 ग्राम के बराबर होते हैं, 1.66 क्रॉस 10^-24 ग्राम के बराबर होते हैं। क्या चीज है, 1 AMU, 1 AMU इतने के बराबर होते हैं। तो उसको जब हम रीअरेंज कर लेंगे, यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड से जब हम उसको निकाल लेंगे, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन को मैं ले लेता हूँ, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, ये कितने के बराबर होगा, ये 1 AMU के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 AMU के बराबर होगा। और मैंने आप लोगों को बताया ना 1 AMU कितने के बराबर होते हैं, 1 AMU
1 AU बराबर होता है 1.66 क्रॉस 10 रेस्ट टू पावर माइनस 24 ग्राम। 1 AU का वेट कितना होगा? देखना, अब 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, मैं से भी लिख सकता हूं 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 × AU, और 1 AU कितने के बराबर होते हैं 1.66 क्रॉस 10 रेस टू पावर माइनस 24 ग्राम। ये 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन ले लूं, 1 एटम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। देखना, मैं यहां पर लिखता हूं एक्स एटम ऑफ हाइड्रोजन या एक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्स एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो कितने के बराबर होगा उसको मैं लिख दूंगा। एक एटम हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम रीअरेंज कर लेते हैं। इसको मैं एक साइड पे छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ एक्स एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक्स की वैल्यू मैं निकालता हूँ। इसको आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, इसको जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और साथ में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन ये आ गया। जब ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो फिर उस साइड पे चला गया, तो यहां पर क्या हो गया, ये डिवाइड, यहां पर आ गया ये डिवाइड 1 × 1.66 क्रॉस 10 रेस टू पावर माइनस 24 ग्राम। अगर आप लोग 1 to 1 के साथ मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आ जाएगा, और ये 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा। इसको जब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो, एक्स एटम ऑफ हाइड्रोजन का मैं वेट निकाल रहा हूँ, एक एटम के अंदर भी इतने पार्टिकल होंगे और नंबर ऑफ एटम के अंदर भी इतने पार्टिकल होंगे, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 1 1 / 1.66 क्रॉस 10 रेस टू पावर 1 को जब उसके ऊपर डिवाइड कर लोगे 1.0 मैंने यहाँ पर निकाले 0.6022 क्रॉस 10 रेस टू पावर क्या हो जाएगा, क्रॉस 10 रेस टू पावर ये नीचे माइनस 24 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सही है, ग्राम तो ग्राम के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल हो गया, एटम ऑफ हाइड्रोजन वहां पर है। अब आप लोग डेसिमल की सिंपल शिफ्टिंग कर लो, डेसिमल की जब आप लोग शिफ्टिंग करोगे, डेसिमल को जब आप लोग यहाँ से इस साइड पे लेके जाते हो तो यहाँ से एक पावर क्या हो जाते है, कम हो जाते हैं, तो सिंपल में इसको ऐसे लिख सकते हो 6.022 या 23 क्रॉस 10 रेस टू पावर 23, और साथ में क्या हो गया एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोगों को समझ आ गई कि एक हाइड्रोजन एटम है या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगी, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। एक हाइड्रोजन के लिए भी है, और आप लोग अगर इससे बारीक कोई चीज ले लेते हो, सोडियम लेते हो या सोडियम के अलावा कैल्शियम लेते हो, पोटाशियम लेते हो, वाटर मॉलिक्यूल लेते हो, जो भी आप लोग लेते हो, आप लोग का आंसर जो है ना वो सेम आएगा, उसके अंदर जो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो फिक्स होंगे। मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ, आप लोग कहोगे कि सर कोई चीज बड़ी है या छोटी है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो फिर कैसे एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, ये भी वही दर्जन वाली हिसाब है। मैं आप लोगों को साथ में प्रूफ भी करवा रहा हूँ, अगर मैं आप लोग के लिए लिख लू यहाँ पर इससे मिलकर यही चीज है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वन एटम ऑफ कोई और मैं ले लेता हूँ, आप क्या लूँ, मैं लेट सपोज कर तो मैं सोडियम लिखता हूँ, वन एटम ऑफ सोडियम तो वो किसके बराबर है, यही चीज फिर हो जाएगी 23 AU को होगा, 1 एटम ऑफ सोडियम का जो वेट होता है वो 23 AU होते हैं। अब MU की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, 1 AU इतना होगा, तो 23 को आप लोग सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, आगे चलकर नहीं नजर आएगी तो फिर मैं ऐसे 23 AU, और 1 AU का आप लोग को पता है उसका वेट कितना है, उसका वेट है 1.66 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम। मैं इस तरह कर तो आप लोग को बता दूँ। अब देखना ये 1 एटम ऑफ सोडियम का इतना वेट है, अगर नंबर ऑफ एटम होंगे, x एटम ऑफ सोडियम होंगे तो उसका वेट कितना होगा, तो एक एटम कितने, तो आप लोग यहाँ पर लिख लो 23 ग्राम 23 ग्राम 1 एटम ऑफ सोडियम का कितना है
वन एटम ऑफ सोडियम का यहाँ पर 23 है, तो एक्स एटम का कितना हो जाएगा, अननोन हो जाएगा। सिंपल आप लोग इसको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 23 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप लोग इसको देखोगे इस कंसेप्ट में ये आएगा एक्स नंबर ऑफ एटम का जो वेट होगा वो भी 6.023 क्रॉस 10 रेज टू द पावर 23 एटम ऑफ सोडियम हो गए या आयन ऑफ सोडियम हो गए, जो भी चीज होगी वो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लो, वन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर यही आएगा। तो बातें इतनी सारी बातें बताने का सिर्फ यही मकसद है, अगर आप लोग देखोगे कोई स्मॉलर पार्टिकल होगा, कोई लार्जर पार्टिकल होगा, जितना भी पार्टिकल होगा उसके अंदर जो एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो यही होगी 6.023 क्रॉस 10 रेस टू पावर 23 एटम मॉलिक्यूल आयन फार्मूला यूनिट ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था मोल और एवोगाड्रो नंबर के बारे में। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके अंदर मैं मोल से रिलेटेड डिफरेंट फार्मूलाज को बताऊंगा और उसके साथ साथ जो उसके कैलकुलेशन है उसको हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।